हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल मनी ट्री। और दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं BEPL के क्रैश के बारे में। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि BEPL में एक बड़ा फॉल, एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। 20% का लोअर सर्किट आज हिट किया और इसका केवल एक ही कारण है, BEPL के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। पूरी डिटेल में इसके रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग सितंबर क्वार्टर के बारे में, और फिर हम बताएंगे कि आपको BEPL में एक्चुअल में करना क्या है। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है ये वीडियो, और आपकी जो पैनिक सिचुएशन है उसको कुछ हद तक तो ओवरकम मैं करने की कोशिश पूरी करूंगा अपनी तरफ से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि BEPL के जो नंबर्स आए हैं सेप्टेम्बर्स के वो कैसे आए हैं। तो दोस्तों, ये भंसाली इंजीनियरिंग का हमने नंबर्स खोल रही है, रिजल्ट्स हैं ये इनके। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, ठीक है, ये इनके रिजल्ट्स हैं जो कि 19th ऑफ अक्टूबर 2018 को इन्होंने डिक्लेयर किया है सेप्टेम्बर क्वार्टर के लिए, राइट। एंड दिस इज द इन्फॉर्मिंग दैट द टेकिंग अफोरसेड डिटेल्स डॉक्यूमेंट ऑन द रिकॉर्ड। अब हम सीधे रिजल्ट्स पर आते हैं, और रिजल्ट्स में अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, आप बहुत आराम से देखिएगा, समझिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो को प्रीमियर कर दूंगा, और प्रीमियर करने के बाद आप जब तक जितना देर ये वीडियो रन करेगा आप मुझसे क्वेरीज को कर सकते हैं, ओके। तो चलिए पर्टिकुलर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इनकम की। अब जब इनकम की बात आती है तो ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग द GST एंड एक्साइज, ठीक है। अब GST और एक्साइज का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो क्या रहा है इनका, लगभग 412 करोड़ रुपए की पूरी टोटल सेल्स रही है, 41,286 ये लैक्स में है। हम इसको करोड़ में बात करेंगे तो 412.86 करोड़ जो है वो टोटल सितंबर क्वार्टर की सेल्स रही है, ग्रॉस रेवेन्यू रहा है, ठीक है। जबकि लास्ट सितंबर क्वार्टर यानी 2017 का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें जो ग्रॉस सेल्स रही थी वो 292 करोड़ की थी, यानी कि सेल्स में ज़बरदस्त उछाल आया है भंसाली इंजीनियरिंग में। फिर ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में गिरावट आ गई? सेल्स बढ़ी है लेकिन स्टॉक में गिरावट क्यों आई, और जबकि सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ी है, आप देख सकते हैं 292 करोड़ से बढ़कर 412 करोड़ की इनकी सेल्स पहुंच गई है। GST अगर हम माइनस करते हैं इसमें तो लगभग 62 करोड़ का GST इसमें लेस है, जबकि लास्ट ईयर 42.92 करोड़ का GST था। रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, अब बात आती है रिवेन्यू की, नेट ऑफ द GST इंक्लूडिंग द एक्साइज। रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस ये था 349 करोड़ का, 349 करोड़ यानी लगभग 350 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए सितंबर 2018 में, जबकि लास्ट ईयर 248 करोड़ का था, यानी कि अच्छा खासा रिवेन्यू ग्राउंड पर जो अपसाइड है, टॉप लाइन काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है टॉप लाइन का भंसाली इंजीनियरिंग में। लेकिन साथ ही साथ जब हम बॉटम लाइन की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग आपको एक्सपेंसेस दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब ये मटेरियल क्या होता है आप समझिएगा, देखिए यहाँ पर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊँगा क्यों, क्योंकि हम सभी को पता है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भाग रहा है, बहुत हायर रेट्स पे है। ऑयल के प्राइजेज आप देख सकते हैं, डीजल पेट्रोल के प्राइजेज आप देख सकते हैं, जितने भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक, जितने भी पेट्रोकेमिकल सेक्टर के स्टॉक, जितने भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक, टायर सेक्टर, इसके अलावा आपके पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ऑयल, इन सभी में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है किसका, क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, स्पेशली भंसाली इंजीनियरिंग का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही है। अब क्रूड का दाम जब बढ़ेगा तो भाई बिजनेस तो रन करना है, जो सेल्स की डिमांड आ रही है वो तो फुलफिल करनी है इनको, तो क्रूड इनको हायर रेट्स पर खरीदना पड़ रहा था। जब हायर रेट्स पर खरीदना पड़ रहा था, साथ ही साथ जो दूसरी बात आ रही थी वो कहाँ पर आ रही थी कि ये खरीदते कैसे हैं, रुपी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और देन डॉलर से ये जो है क्रूड को खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर से ये हायर रेट का जो क्रूड है वो रॉ मटेरियल के लिए परचेज कर रहे हैं। एक तरफ क्रूड के प्राइसेस जो हाई प्राइसेस है वो एक तरफ की मार दे रहे हैं, दूसरा चूंकि रुपी को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, 73-74 पे, तो इनको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, कम डॉलर मिल रहे हैं।
जब ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, कम डॉलर मिल रहे हैं, ठीक है, तो इनको जो कॉस्ट है वो इनकी दोनों तरफ से बढ़ रही है। एक तो ज़्यादा महंगा क्रूड खरीदना पड़ रहा है इनको, दूसरी ज़्यादा पैसे इनको खर्च करके डॉलर्स में कन्वर्ट करने पड़ रहे हैं, तो दोनों ही तरफ से मार पड़ रही है, रुपी के डेप्रिसिएशन से भी और क्रूड के हाई जो बढ़ते तेजी वाले प्राइस से दोनों थे। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम थी वो लास्ट ईयर सितंबर में केवल 142 करोड़ की ही कॉस्ट लगी थी इनकी, जो भी मटेरियल इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया था 142.52, जबकि इस बार 199 करोड़ के आसपास का इनको केवल रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ा। आप समझ सकते हैं रीज़न सेम कि भैया क्रूड के प्राइस बहुत ज़्यादा है, रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है, परचेज ऑफ द स्टॉक इन द ट्रेड पिछली बार ओनली 13.68 करोड़ के परचेजिंग थे, इस बार 62 करोड़ के परचेजिंग थे। साथ ये सभी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, इनकी इनकम अच्छी हुई है बट खर्चे ही इतने ज़्यादा हो गए कि जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो गया। और खर्चे क्यों ज़्यादा हो गए? क्योंकि क्रूड का दाम बढ़ रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है इसीलिए। और ये जो आज का जो फॉल है, और ये मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिनों में और जो हमें गिरावट देखने को मिलेगी ये टेम्परेरी रहेगी, अगले कुछ महीनों के लिए स्टिल प्रेशर रहेगा, बिकॉज एक बार रुपी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, एक बार क्रूड के दाम नीचे गिरेंगे, देन वापस चूंकि इनके सेल्स तो ज़बरदस्त ग्रो कर ही रही है, रैपिड ग्रोथ आएगी इनके प्रॉफिट्स में और स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी फिर हमें देखने को मिलेगी। बट फिलहाल अगले एक दो क्वार्टर के लिए स्टील, बंसाल इंजन और जितने भी पेट्रोकेमिकल, केमिकल, यू नो पेंट सेक्टर के स्टॉक, इन सभी में प्रेशर देखने को मिलेगा जब तक कि क्रूड का प्राइस नीचे नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भाई क्रूड $100 तक पहुंच सकता है, यानी कि आपका ये जो क्वार्टर है ये तो वीक हुआ ही हुआ, अगले अगर $100 पहुंचता है तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी पैनिक सिचुएशन बन सकती है बंसाल इंजीनियरिंग या अदर पेट्रोकेमिकल और केमिकल शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो जो टोटल एक्सपेंसेस हुए थे वो पिछली बार हुए थे 214 करोड़ के, यानी कि 214 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस हुए थे, और टोटल इनकम हुई थी 249 करोड़ की, ठीक है, 250 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी और 214 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेस हुए थे, लगभग 35.83 करोड़ के आसपास की इनकी टोटल प्रॉफिट बचा था बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड द टैक्सेस वगैरह उससे। इस बार इनका जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ है वो तकरीबन 324 करोड़ के आसपास हुआ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 110 करोड़ के आसपास इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए। अगर वो 110 करोड़ आप निकाल दीजिए तो इस बार इनके जो प्रॉफिट्स हुए होते, अगर ये इनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होते, ब्रांड क्रूड इतना ऊपर नहीं जाता या रुपी इतना डेप्रिशिएट नहीं होता, तो इनको तकरीबन इस एज कम्पेयर टू सेल्स और जो एक नॉर्मल एक्सपेंसेस चलते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग इनको 70 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रुपी डेप्रिशिएट, क्रूड हायर रेट पे, तो जो इनके एक्सपेंसेस थे वो लगभग 110 करोड़ बढ़ गए, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इनका केवल 26 करोड़ के आसपास रह गया, जबकि पिछली बार 35.83 करोड़ था, यानी कि घट गया। साथ ही जो PBT की बात आती है, जो PBT था इनका वो लगभग 25.95 करोड़, यानी अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ PBT इनका इस बार आया, जबकि पिछली बार 35.83 करोड़ का PBT था। ओके, उसके बाद इन्होंने टैक्स, करंट टैक्स वगैरह पेमेंट किया 800 करोड़, जबकि पिछली बार 900 करोड़ था, और डेफर्ड टैक्स भी इनका 103 करोड़ गया था, जो कि पिछली बार 173 करोड़ था। सो टैक्सेस तो जाते ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे आफ्टर टैक्स पेमेंट के बाद, तो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में इनको 25 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार सितंबर क्वार्टर में यानी YoY पर इनको 16 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट हुआ, लगभग 9 करोड़ के आसपास का, 8 से 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनका डिक्लाइन हुआ है, और यही कारण है जो आज भंसाली इंजीनियरिंग ने 20% का लोअर सर्किट हिट किया। जबकि मार्च क्वार्टर में बात करेंगे तो 16,77, यानी कि QoQ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, बट YoY पे एक बड़ा फॉल देखने को मिला है हमें नेट प्रॉफिट के अंदर भंसाली इंजीनियरिंग की, और ये केवल एक ही वजह से है, बढ़ते क्रूड प्राइस की वजह से और रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से। बिजनेस में किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है, क्योंकि सेल्स में ज़बरदस्त उछाल आया है, 292 करोड़ से बढ़ के कंपनी की सेल्स जो बढ़ गई है वो 412 करोड़, यानी कि डिमांड है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़बरदस्त है मार्केट के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो
ड्यू टू यू नो जो एक्स्ट्रा ओवर एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है और यही बंसाल इंजीनियरिंग में पैनिक का मेन कारण है। अब मैं आपको बंसाल इंजीनियरिंग के चार्ट्स को दिखा देता हूं एक बार में कि कहां तक अभी बंसाल इंजीनियरिंग में गिरने की संभावनाएं रहेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर स्टिल इस महीने में अभी बाकी दिन बचे हैं, कुछ और दिन की गिरावट आती है तो लगभग 80 रुपीज़ का लेवल मैं बंसाल इंजीनियरिंग में देखता हूँ। 80 रुपीज़ को अक्टूबर मंथ में होल्ड करना चाहिए। अगर 80 के नीचे की क्लोजिंग हो गई देन आई एम सॉरी, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, 30 से 40 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। बट अगर अक्टूबर मंथ में स्टॉक ने, चूंकि बैड सेंटीमेंट है इस वक्त यू नो प्रॉफिट डिक्लाइन की वजह से, तो अगले 2-3-4 दिन मुझे लगता है कि इस वीक जब तक एक्सपायरी का दिन नहीं आता 25 अक्टूबर का, पैनिक सिचुएशन रह सकती है और 80 रुपीज़ जो है इसका एक बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा। तो अगर 80 रुपीज़ के ऊपर बंसाल इंजीनियरिंग रहता है, रुकता है, होल्ड करता है अक्टूबर मंथ में, देन डेफिनेटली नवंबर मंथ से यहाँ से आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। बट अगर 80 रुपीज़ टूट गया देन ये एग्जिट स्टॉप लॉस होगा, बिकॉज उसके बाद ये स्टॉक तकरीबन कोई मुझे आसपास उसका सपोर्ट नज़र नहीं आता। एक छोटा सा हल्का सा कर्व नज़र आता है लगभग 65 रुपीज़ के आसपास और उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप 40-41 रुपीज़ के आसपास। सो 80 रुपीज़ इज द मेजर क्रूशल वीकली सपोर्ट लेवल, सॉरी मंथली सपोर्ट लेवल, वीकली भी यही है आप देख सकते हैं, मंथली, वीकली और आई थिंक डेली सपोर्ट लेवल भी यही है, यानी कि तीनों ही ग्राउंड पर, मंथली, डेली और वीकली तीनों ही ग्राउंड पर इस स्टॉक को 80 रुपीज़ के नीचे की क्लोजिंग नहीं देनी है, अदरवाइज वीकनेस इसमें और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल ग्राउंड पर केवल क्रूड और रुपी डेप्रिसिएशन मेजर फैक्टर है और ये स्टॉक अब तभी रिकवर करेगा जब क्रूड के प्राइस दाम गिरेंगे और उसके बाद जब रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा, उसके बाद इनके रॉ मटेरियल की जो कॉस्टिंग है वो कम आ जाएगी, जब रॉ मटेरियल कॉस्टिंग कम हो जाएगी देन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा और एक बार प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा देन वापस ये स्टॉक अपने बुलिशनेस की तरफ, ऊपर की तरफ चलेगा। ओवरऑल स्टॉक कंपनी के बिजनेस में कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस ओरिएंटेड अगर मैं बात करता हूँ, फंडामेंटल ग्राउंड पर कोई इशू नहीं है। टेक्निकली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू यू नो ओवर एक्सपेंसिस ऑफ द यू नो रॉ मटेरियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द हायर क्रूड प्राइस, डेप्रिशिएटेड रुपी और ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें बंसाल इंजीनियरिंग और अदर पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स में आने वाले दिनों में वीकनेस देखने को मिलेगी दोस्तों। सो जो लोग समझते हैं कि अभी 80 रुपीज़ तक वो होल्ड करेंगे तो आप लोग 80 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अक्टूबर मंथ में 80 रुपीज़ को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर 80 टूटता है तो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे इस स्टॉक के अंदर और मुझे लगता है कि 80 नहीं टूटना चाहिए। तो 80 रुपीज़ विल बी द मेजर एग्जिट स्टॉप लॉस ऑन द डेली, मंथली एंड द वीकली चार्ट इन द बंसाल इंजीनियरिंग। ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी अगले कुछ दिनों नेगेटिव रहने वाले हैं, अभी एवरेजिंग डाउन करने से बेहतर है कि आप वेट और वॉच कीजिएगा, 25 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिएगा, आपको तब पता चलेगा कि क्या प्राइस सेगमेंट पर यू नो बंसाल इंजीनियरिंग होल्ड करने वाला है और हम कहां पर एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रीज़न था बंसाल इंजीनियरिंग के आज के क्रैश का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में डिक्लाइन हुए हैं और वो कोई और फंडामेंटल इशू नहीं है, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, केवल जो उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई है ड्यू टू हायर यू नो क्रूड प्राइस और रुपी की बढ़ती डेप्रिसिएशन की वजह से। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ और स्टॉक्स के बारे में, कुछ और यू नो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे क्वेरीज हो जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपकी क्वेरी का क्या समाधान रहेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैनिक होने से हम लोग सही समय पर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।